भाजपा नेत्री सोनाली फोगाट व मार्केट कमेटी के सचिव सुल्तान सिंह के बीच हिसार के बालसमंद अनाज मंडी में हुए विवाद के मामले में पुलिस ने सोनाली फोगाट सहित अन्य आरोपियों को गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया। यहां पर ECJM की अदालत ने सोनाली फोगाट सहित अन्यों की जमानत मंजूर कर ली है। वहीं सोनाली फोगाट के अधिवक्ता दिलीप जाखड़ ने बताया कि अदालत ने धारा 147, 149, 353, 322, 186, 506 की धाराओं के तहत सोनाली फोगाट सहित की जमानत मंजूर कर ली है। इधर जो रहा और क्या जमानत में किस किस तरीके की दलीलें दी गई? ऐसे भी पुलिस ने पेश किया उनको, पेश होने के बाद में उनकी कंप्लेंट की तरफ से महेंद्र सिंह नैन पेश हुए एडवोकेट। उन्होंने कहा कि देखो जी पब्लिक सर्वेंट थे ये, डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटीज में इनको पीटा है, उनको वो ठीक नहीं है, इनकी बेल नहीं होना चाहिए। उन्होंने अपोज किया, हमने सारे फैक्ट्स रखे हुए, तो दो FIR हैं, क्रॉस केस है, ये ट्रायल में पता लगेगा कौन सा सही है कौन सा नहीं है। चलान पुटअप हो गया, पुलिस को जरूरत नहीं है किसी भी तरह की, तो बेल होगी। कितने बजे अरेस्ट किया गया था? 30,000 रुपये है जी। कितने बजे अरेस्ट किया गया था? अरेस्ट किया था इनको 12:00 से करीब। तो ये क्या कोरोना की वजह से भी बता रहे हैं कि मतलब बेल जो दी गई कोरोना के कारण दी गई है, क्योंकि जेल में नहीं रखे? ऐसा कुछ नहीं है, कोरोना के थोड़ी है। नहीं, एक बीच में बात आ रही थी कि जेल में रूटीन बेल मिली है। हां, रूटीन परमानेंट बेल मिली है या क्या? परमानेंट कोरोना का कोई मतलब नहीं है इससे। कौन से सेक्शन में पेश किया गया सर? 147, 149, 186, 353, 332 और 506। तो आगे ही कार्रवाई क्या रहेगी? पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन में क्या दिखाया? पुलिस में तो अक्यूज ही दिखाया, चालान पुटअप कर दिया ना जी। हाँ, आगे की कार्रवाई तो जितने ऑफेंसेस है ना, आगे का चार्ज के लिए डेट लगी। क्या डेट दी? डेट यार मुझे ध्यान नहीं है अभी, दो रुपये पास हो गए। 8-7 ट्रायल चलेगा अभी। तो दूसरी तरफ से गिरफ्तारी की आप लोगों की मांग की गई हो या कुछ किया गया? महेंद्र जी ने किस फैक्ट्स पे उनकी वो करी है, बेल रिजेक्ट की उन्होंने? महेंद्र सिंह ने तो यही रिजेक्ट की जी, वो पब्लिक सर्वेंट है, अपने डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटीज कर रहे थे। अगर पब्लिक सर्वेंट को और उसकी डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटीज के अंदर कोई बाधा पहुंच जाता है, यहाँ तो बल्कि उनको पिटाई की हुई है उनकी, तो बड़ा सीरियस ऑफेंस है, इसमें बेल नहीं होनी चाहिए। आपकी तरफ से क्या रखा गया था जिसके कारण इनको बेल मिली? मैंने बताया ना आपको, हमने रखा भी, एक तो ये आदमपुर असेंबली से इन्होंने इलेक्शन लड़ा है जी, कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है किसी भी तरीके की, ठीक है जी। उसके बाद में क्रॉस केस है, क्रॉस केस में कौन सही है, हम सही है या वो सही है, वो ट्रायल से पता लगेगा। किसके कोर्ट में पेश किया गया था? शिफा, श्रीमती शिफा। Your good name, please? Dilip Jakhar. Okay, Jakhar.